नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सैमसंग के एक बहुत ही अमेजिंग फीचर को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है यहाँ पे लिंक टू विंडोज़ फीचर। और ये फीचर आपको जनरली आपको क्यूएस टाइल्स में देखने को मिला होगा, जब आपने वन यूआई के 3.1 फोन्स को यूज़ किया होगा। बट ऐसा कोई डेडिकेटेड फीचर यहाँ पे कोर वर्जन में नहीं देखने को मिलता है जनरली, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ पार्ट उसका एक्सेस कर सकते हैं माई फोन कंपेनियन ऐप को डाउनलोड करके, जो कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको गूगल प्ले स्टोर में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे चाहे आपको कोई कोर वर्जन का फोन हो सैमसंग का, या फिर आपको कोई कंप्लीट वन यूआई 3.1 वर्जन का फोन देखने को मिलता हो, और जनरली अभी सभी डिवाइसेज में यहाँ पे वन यूआई का 3.1 वर्जन अवेलेबल है, तो इनमें देखिए दोनों में ही आप लिंक टू विंडोज फीचर्स को यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, बस डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी मजा आपको काफी आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए अब होता क्या है कि ये जो भी विंडोज है, लाइक विंडोज 10 या फिर विंडोज 11, उसमें एक फीचर होता है योर फोन। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने इस फोन को डायरेक्टली आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सैमसंग के फोन्स में होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको क्यूएस स्टाइल में एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लिंक टू विंडोज का। तो ये लिंक टू विंडोज वन यूआई के 3.1 वर्जन में डायरेक्ट होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं M21 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक दूसरे तरीके से करना होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस है और कैसे इसमें हमको पूरा प्रोसेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी स्टार्ट पे जाता हूँ, तो स्टार्ट के बाद ऑल ऐप्स पे गया, ऑल ऐप्स के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा नीचे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं योर फोन करके यहाँ पे एक आइकन यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं टैप करूँगा और ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का योर फोन एप्लीकेशन है, और ये लगभग सभी आपको ओरिजिनल और या फिर जो भी लीगल विंडोज होंगी सभी में देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट का भी ऑप्शन आ गया है। देखिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है इसमें, इसीलिए मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। लाइक लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसका इकोसिस्टम है, तो उसी तरह से ये भी आ रहा है। लाइक आप कॉपी इधर करेंगे डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं, तो ये भी है लाइक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सैमसंग M42 दिख रहा है। अभी मैं आपको देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माय डिवाइसेस में जाके मेरे देखिए ये दो फोन्स यहाँ पे कनेक्ट है, एक है M21 का पुराना एडिशन और एक है सैमसंग M42। साथ ही यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में आके यहाँ पे देखते हैं कि डिवाइस को लिंकिंग कैसे करी जाती है। तो डिवाइस लिंक करने के लिए सिंपली आपको इस पर देखिए टैप करना होगा और आपको गेट स्टार्टेड करना होगा। तो आप देखिए सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये देखिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है योर फोन कंपेनियन लिंक टू विंडोज ऐप, इसके थ्रू आप देखिए कर सकते हैं। आपको देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपको ये लिंक टू विंडोज का फीचर दिखता है इसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक मेरा सबसे पहले M42 जो आपको सारे वर्जन यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे चलिए ये सबसे पहले मेरा एक्टिव डिवाइस है, तो अब मैं चलिए यहाँ पे आ जाता हूँ मैसेजेस में। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है लिंक टू विंडोज इज ऑफ ऑन योर एंड्रॉयड फोन, मतलब कि इसको पता है कि मेरे पास कंप्लीट वर्जन है, इसीलिए ये कह रहा है कि आप देखिए लिंक टू विंडोज को ऑन करिए। और ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल लेटेस्ट इंटरफेस है और मैं बीटा वर्जन यूज कर रहा हूँ। आपको हो सकता हो कुछ इंटरफेस अलग तरीके का दिखे जब आप इसको करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कमिंग सून फीचर्स को यूज कर रहा हूँ, मतलब अभी ये सबके लिए रोल आउट नहीं हुए, कुछ स्पेशल एक्सेस ही प्रोवाइड करी गई है लोगों को, तभी आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। अब चलिए यहाँ पे मैं अपने फोन को यहाँ पे स्क्रोल करता हूँ और आप देख सकते हैं ये क्यूएस स्टाइल है, इस पर मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे ये मैंने ऑन कर दिया, और अब मैं ट्राई अगेन पे क्लिक करूंगा और अब अपने आप देखिए सिंकिंग हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए मेरा यहाँ पे जो फोन है वो कंप्लीटली यहाँ पे सिंक हो चुका है। अब मैं आपको चलिए स्टार्टिंग के कुछ यहाँ पे अच्छे फीचर्स दिखा देता हूँ। लाइक ये देखिए मेरा यहाँ पे फोन है, और अभी देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे देखिए ये जो डू नॉट डिस्टर्ब है ये यहाँ पे ऑफ है। अब देखिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कुछ यहाँ पे थोड़े से फंक्शंस दिए हैं, लाइक मैं यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करूंगा और आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे देखिए मैं ब्लूटूथ को भी टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकता हूँ। लाइक आप देख सकते हैं ब्लूटूथ ऑन हो गया है, और अब अगर मैं देखिए ब्लूटूथ पे टैप करूंगा तो मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो जाएगा। कितनी फास्ट सिंकिंग है, और आप देख सकते हैं कोई केबल नहीं है, कोई ADB मेथड नहीं है, फिर भी कितना फास्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप मैसेजेस दे सकते हैं, जो भी रिसेंट मैसेज आया है वो आप देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे न्यू मैसेज को क्रिएट करके अपना फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लाइक किसी को भी जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं,
और इसी के साथ इमोजीज, GIF सब कुछ मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो सेक्शन में। तो ये आप देख सकते हैं मेरी गैलरी है, ये पिछले जो मैंने Q&A किया था उसके थंबनेल के लिए कुछ फोटोज यहाँ पे क्लिक करी थी, उसी के साथ ये देखिए कुछ फोटोज मैंने क्लिक करी थी, तो ये मेरी पूरी गैलरी देखने को मिल रही होगी आपको। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और देखिए फोन को कुछ नहीं करना है, फोन को सिर्फ सिंपली मैं यहाँ पे अपना देखिए रख देता हूँ। तो मेन काम मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा, फोन की एज सच कोई नीड नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। आप यहाँ पे कोई भी फोटो को देख सकते हैं, कोई भी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फोटो को इवन देन आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, वो आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सिस्टम। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऐप्स में। तो ये जो फीचर है ये मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद है। देखिए ये जो फीचर है ये आपको सिर्फ वन UI के 3.1 वर्जन्स में देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप यहाँ पे मान लीजिए M21 यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अदर जो कोर वर्जन पे चल रहा है, तो फिर आपको मतलब सारे फीचर्स मिलेंगे। लाइक आप कॉल कर सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऐप्स वाला फंक्शन होता है ये सिर्फ आपको वन UI के कंप्लीट वर्जन्स में ही देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा जादू दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सिंपली ऐसे रख लेता हूँ और मैं कुछ टच नहीं करूँगा। तो अब देखिए मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कैमरा ओपन करना है और कैमरा यहाँ पे ओपन होगा, इवन देन मैं एक्सेस भी कर पाऊंगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे कैमरा टैप किया, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन लोड हो गई है। थोड़ा सा देखिए लैग कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसा आप इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन मेरी आ गई है और अब मैं अपनी स्क्रीन को बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को रख देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे डालूंगा। लाइक ये मेरा पिन था और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कैमरा चालू हो गया है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे मोड एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपको प्रो मोड एक्सेस करना है, आप प्रो मोड एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हैं तो फोटो भी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया, मैंने अपने टाइमर लगा रखा है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ से कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे लार्ज स्क्रीन में भी अपना सब कुछ यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे होम बटन को दबाता हूँ और अब देखिए मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सेस कर सकता हूँ। फ़ोन मेरा उधर रखा हुआ है लेकिन यहाँ से मैं उसको कम्प्लीटली कंट्रोल कर पाऊँगा और जितने भी ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे वो सभी देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो लाइक अगर आपको व्हाट्सअप खोलना है तो आपने व्हाट्सअप पे टैप किया और आपका देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन हो गया। तो सिंपली मैं देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन यहाँ पे देखने को लग रहा है। मतलब आप कम्प्लीटली अपने फ़ोन को यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए मैं YouTube को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए YouTube ओपन हो जाता है और बहुत ही फास्ट एक्सेस है, आप देख सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा फ़ोन ही यहाँ पे एक तरीके से मैं अपना यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये एक मुझे यहाँ पे माय फ़ोन कंपेनियन ऐप की बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ लगी। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे तो जितने ऐप्स हैं वो आ जाएंगे आपके। और अगर मैं आपको कॉल सेक्शन में दिखाता हूँ तो आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। और वैसे सैमसंग का तो ये भी फीचर है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी कॉल कर सकते हैं और इसमें भी आप यहाँ पे कनेक्ट करके कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल डिक्लाइन कर सकते हैं और किसी को भी यहाँ पे अपना जो भी आपके कॉल फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगे वो सब आपको आ जाएंगे। तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे एक बटन से यहाँ पे आप कॉलिंग कर पाएंगे। और एक चीज़ इसके साथ जो भी आपके नोटिफिकेशंस आएंगे वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सिस्टम पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो आप अपने फ़ोन को सिंपली साइड में रख दीजिए और इसको आपको कम्प्लीटली इंटरनेट के माध्यम से इसको यहाँ पे कम्प्लीटली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग सेटिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे मैसेज शो होना चाहिए और कैसे आप यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज़ कर सकते हैं कि थीम आप देखिए यहाँ पे लाइट डार्क। अब मैं यहाँ पर डार्क थीम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए डार्क थीम आ जाती है, कितनी अच्छी लगती है, आप रात के समय या फिर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं लाइट थीम को ही यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसी के साथ आप यहाँ पे वॉलपेपर्स चेंज कर सकते हैं अपने डिवाइस के लिए। और अगर मैं आपको फीचर्स की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो क्रॉस डिवाइस कॉपी पेस्ट आया है, ये बिल्कुल आपको मैं लेटेस्ट फीचर बता रहा हूँ, अभी हो सकता है ज़्यादा में डिवाइस में अवेलेबल भी ना हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली इधर आप कॉपी करेंगे उधर आप यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं कभी आगे बनाऊंगा वीडियोस क्योंकि एक दो दिन पहले ये मेरे डिवाइस में आया है फीचर। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेमो कि यहाँ पे आपको कोर वर्जन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो लोग भी कोर वर्जन वाले फ़ोन यूज़ करते हैं उनको देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनको ये एक योर फोन कंपेनियन ऐप होता है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको देखिए यहाँ पे सिंपली मैं ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं योर PC एंड योर फोन एंड PC आर लिंक्ड।
तो ये देखिए लिंक है। बाय द वे आप यहाँ पे QR कोड से भी यहाँ पे लिंकिंग कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए कंप्लीटली यहाँ पे सिंक हो गया है, पूरा इंटरफेस हल्का सा चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए M21 आ गया है लिख के, बैटरी परसेंटेज आ गया, कनेक्टेड आ गया। तो यहाँ से भी मैं सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब पे रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लूटूथ एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आपने परमिशंस दी होंगी तो आप यहाँ पे सब कुछ कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए डिफरेंस आपको देखिए समझ में आ गया होगा। ऊपर की टास्क बार आप देख रहे होंगे तो आप मैसेज देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे फोटोज़ देख पाएंगे अपनी, जो भी ज़्यादा फोटोज़ होंगी तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगाएगा, बट आपको सारी फोटोज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप यहाँ पे कॉल्स देख सकते हैं। अगर मैं गेट स्टार्टेड पे करता हूँ तो यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली ब्लूटूथ मुझे ऑन करना है और यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ मैंने ऑन किया। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैं देखिए यहीं से बैठे बैठे कॉलिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नंबर याद रखना है और मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूँगा, कॉलिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो सैमसंग की तरफ से यही आई थी कि जब तक अभी थोड़ा काम चल रहा है उस पर, तो हो सकता हो आगे आने वाले समय में लाइक एंड्रॉयड 12 जब आए तो हम इसके लिए भी ऐप्स के फीचर्स को यूज़ कर पाएँ। और इवन इन सैमसंग ही नहीं, आपके पास कोई भी फ़ोन हो तो आप यहाँ पे जो आपके पास माई फ़ोन कंपनी ऐप है उसके थ्रू आप यहाँ पे अपने डिवाइसेस को लिंक कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं M42 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा M42 हो गया है। मान लीजिए मैं ऐप्स को ओपन करना चाहता हूँ, मेरे को गैलरी ओपन करनी है, तो गैलरी पे मैंने क्लिक किया और अब थोड़ी देर में मेरी यहाँ पे स्क्रीन लोड हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपके क्या भी सवाल हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करिए। अगर ज़्यादा सवाल हो जाते हैं एक ही चीज़ के ऊपर तो मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उन सभी के लिए। बाकी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं ऐसे माल की नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।